इस बार मांझा की डोर से पतंग उड़ाएंगे, मैंने चाचा को लाने के लिए बोला था। चाचा मांझा और पतंग दे दीजिए। नहीं नहीं, कोई सादा डोर दीजिए। मैं तुझे पता मांझा कितना खतरनाक होता है, भाई चिड़िया कट के नीचे गिर जाएंगी। चाचा आप मांझा और पतंग दीजिए। अरे भाई ये सही नहीं बताया आपको, दिमाग खराब कर रहे हो। बहुत खतरनाक होता है। मत रे भाई, मत खराब कर यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? चुप। खतरनाक होता है तो मेरे ठेंगे से, मुझे तो अपने धंधे से मतलब है। टाइट कर, टाइट ठीक है। अबे कुछ तो दिमाग लगाओ, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, अबे इससे हाथ भी कट सकता हम सबका। तुझे इस मांझे से दिक्कत है ना, एक काम कर, तू घर जाके धागे से पतंग उड़ाना। चल जा यहां से, जा अबे जा। ए भाई चल उड़ा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ऊपर तक गया गया गया। हेलो बेटा, बाइक चलाते हुए थोड़ा सावधानी से धीरे धीरे आना, रास्ते में पतंग उड़ा रहे हैं लोग, कहीं गले में फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये उड़ गया उड़ गया। और मांझे छोड़ और। चल भैया तू लोग मांझे से पतंग उड़ा और मैं इस बांस से तुम सबका पतंग उड़ा देता हूँ। और छोड़। अबे, अबे। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अभी मांझा छोड़ दिया। अभी मैं कस के पकड़ा था, पता नहीं कैसे छूट गया, पतंग छूट गया। अरे किसका पतंग गिरा? चल चल के लूट लेता हूँ, चल के लूट लेता हूँ, इसके बाद मैं उड़ाऊंगा। अभी जल्दी नीचे चलना है तो कोई लूट लेगा। हाँ चल चल चल। अगर रोड पर चला गया पता चला किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तुझे बोल रहा था कि ला पतंग मैं उड़ाता हूँ। सरकार ने इस पर बैन लगा दिया फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लूट लिया ना तू खरीद कर लाएगा इस बार। अरे हाँ भाई ले लेना। अरे ये तो जितेंद्र का भाई है। भैया मांझा के डोर से एक्सीडेंट हो सकता है। मैं पतंग उड़ाने के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्या मांझे के डोर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है?